ओ भाई साहब जी 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 इधर आइए जी जी इस फ्लावर का नाम क्या है सर इस फ्लावर का नाम है सर लिली अच्छा इसका वैसे लिली नाम है जी लिली नाम है सर लिली नाम इसका लाइफ स्पैन क्या है मतलब ये कितने दिन तक ग्रो करता है जी सर ये लिली जो देख रहे हैं सर या भी जो फूल देख रहा है इसमें सर बहुत वैरायटी होता है सर सफेद वाला होता है लाल वाला होता है पीला वाला होता है उजरा वाला होता है काफी कलर होता है सर इसमें ये लिली में सर अच्छा जी तो इसमें कितने दिन के बाद जैसे फ्लावर आ जाती है सर अगर आप मान लीजिए इसका जो बल्ब होता है प्याज होता है सर एक इतना बड़ा जो आप प्याज खाते हैं घर में सर उसी तरह का प्याज होता है सर वो प्याज हम आपको देंगे आप जाके इसको सर गमले में लगा दीजिए आपको सर अभी इसका सीजन है तो माना जाए सर आपको महीना भर में सर इसमें फ्लावर आ जाएगा सर अच्छा ये सब तो जान गए हैं बट ये जो है इसका गमला यानी क्या है किस तरह का और जैसे इसमें जो है मिट्टी जो लगेगा जी 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 वो किस तरह की मिट्टी होगी जी सर इसका गमला आप ये देख रहे होंगे ये साइज का गमला ठीक है ये गमला जो है सर 8 इंच का गमला है सर अच्छा जी अगर गमले में भी वैरायटी होती है जी सर गमले में भी होता है सर क्या होता है गमले में एक 8 इंच होता है एक 10 इंच होता है एक 12 इंच होता है 14 इंच होता है सर 20-20 इंच का भी गमला होता है सर अच्छा लेकिन ये लिली जो वैरायटी है सर ये आप 8 इंच के गमले में दीजिएगा सर तो एकदम माकूल होता है सर एकदम बेहतर रहता है सर ये इसमें अच्छा सर्वाइव करता है सर अच्छा जी फिर मिट्टी के बारे में क्या कहेंगे इसके मिट्टी का क्या होता है सर कि अपना मिट्टी जो होता है जैसे कि खेत का मिट्टी होता है खेत की मिट्टी अगर आप इस गमले में इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है सर कि मिट्टी हमेशा ढीला रहता है और प्लांट अच्छा सर्वाइव करता है चलिए जी बहुत अच्छा लगा सीजनल है क्या नहीं सर ये परमानेंट है सर ये हर एक महीने में यानी सर एनुअल 12 महीने ये फ्लावर देगा जी सर फ्लावर तो सर ये आपको 12 महीना नहीं देता है ये फ्लावर जो है सिर्फ आपको जो है सर ये ठंड का समय जो होता है सर ठंड के समय में ये पूरा प्लांट गल जाता है लेकिन जैसे सर अपना मार्च आता है गर्मी का समय आता है उस समय में सर इसमें से बल्ब लिली में से सर ग्रो करने लगता है ये ठीक है मगर एक समय में ये कितना फ्लावर देता है मतलब एक समय में सर आप देख रहे होंगे कि एक तो ये है एक तो ये है एक तो ये है सर एक तरफ में सर 4 गो फूल खिलता है सर ये एक बार खिलने के बाद सर इसको क्या होता है सर कि दूसरी बार जब ये फूल दे उसके लिए होता है कि गमले में आप इसको कंपोस्ट दीजिए या एक दो दाना एनपीका कर दीजिए ये सब दे दीजिए ताकि इससे नया भी अच्छा फर्टिलाइजर वगैरह भी इस्तेमाल होता है जी जी फर्टिलाइजर जिस तरह का चाहे आप उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आप गोबर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है बहुत अच्छा जानकारी देने के लिए जी।